उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के पुलिस महानिदेशक विश्वजीत महापात्रा ने मंगलवार को गोलघर स्थित फायर स्टेशन का विधिवत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजी फायर सर्विस विश्वजीत महापात्रा ने फायर दमकल स्टोर रूम कैंटीन कार्यालयों के विभिन्न अनुभाग का निरीक्षण किया और वहाँ के व्यवस्थाओं तथा अग्निकांड से निपटने के संसाधनों और तैयारियों की जानकारी हासिल की और यहां के काम से संतुष्टि जताई। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुनी से बात करते हुए पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस विश्वजीत महापात्रा ने कहा, सर इनको थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस सर मैं हाइड्रोलिक इसका भी प्रैक्टिस रेगुलर होगी सर रेगुलर रेगुलर नहीं सर सर प्रैक्टिस सर यहाँ पे सारे प्रॉब्लम और क्या देखिए सर मेस दिखा दें सर मेस बहुत अच्छा बन रहा है सर जो पीछे रहते थे सर इसमें वो सब हम लोग चार वहाँ रखते हैं जब जो पड़ती है तो सर हम लोग उसमें क्या प्राथमिकी शुल्क प्राथमिकी शुल्क जो प्राथमिकी शुल्क एंट्री शुल्क अभी सर अभी ऐसा नहीं हुआ सर वैसे आधा लेकिन है कि ये सर तो बहुत इस्तेमाल इसमें कितने समय तक आपके सर इसमें बस कराने की आदमी सजा के कुछ काम कर दो तीन मिनट दो घंटा दो तीन मिनट ऐसे अभी अभी प्रैक्टिस की सर इसका हमेशा नंबर है सर आपने लेके जाए सर इसमें क्या ये सर BSF है कंडा मौजूदा सर तीन गाड़ी हो रही है सर इसमें दो गाड़ी इसमें सर फॉर्म है इसमें जो बैग पैक सर ये फोन का क्या राइट है
कितने दिन? एक साल नहीं सर, इनकी पहले जो सर आता था मेरे ख्याल से दो साल का, लेकिन अब जो आ रहा है सर इनकी लाइफ, ये देखना पड़ेगा जैसे लाइफ इनका दो साल का, अगर ये यूज नहीं हुआ तो लाइफ खत्म होने से पहले इसको पानी के साथ मिक्स करके यूज करें, फिर मान लो। देखिए आज हम आए थे ये देखने के लिए कि अभी फायर सीजन चल रही है 1 मार्च से लेकर 30 जून तक। इस पीरियड में ज़्यादातर अग्नि दुर्घटना की घटनाएं होती है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो हम ये देखने आए थे कि हमारी अग्निशमन विभाग की तैयारियां क्या है और जनता का क्या अपेक्षाएँ हैं, और जो घटनाएँ अग्नि दुर्घटनाएँ हुई है उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा, ये हमको देखने हम आए थे। तो जो वाहन है वो सब तैयारी हालत में है, जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो भी है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे स्टाफ काफ़ी सतर्क हैं और अलर्ट हैं, और इनको और मोटिवेट करके हम जाएंगे ताकि किसी भी सूरत में अग्नि दुर्घटना स्थल पे पहुंचने में कोई डिले ना हो, तत्काल वहाँ पहुँचें, दूरी के हिसाब से टाइम जो लगना चाहिए उतनी लगना चाहिए, और तुरंत वो अग्नि दुर्घटना को काबू में लाएं, ये हमारा प्रयास है। और हमारा ये भी इंस्ट्रक्शन है कि अग्नि दुर्घटना के कारण एक भी जान लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप अपनी अभ्यास करें, अपनी प्रशिक्षण समय से कराएं, और अपने उपकरण को वाहन को तैयारी हालत में रखें, और जनता को भी जागरूक करें, जनता में प्रचार प्रसार प्रशिक्षण की कार्रवाई मॉक ड्रिल ये भी होना जरूरी है, और इन्होंने कुछ किया भी है और इसका संख्या और बढ़ाने की हम पूरी प्रयास करेंगे।